Hi guys, you're watching JT Jones. Don't forget to click on the red subscribe button. And by the way, click on the bell icon so that you receive daily notifications. Hi दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Realme C1 स्मार्टफोन की और जानेंगे कि इसकी बॉक्स कंटेंट्स क्या है और क्या क्या हमें इस बॉक्स में देखने को मिलता है। ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि मैं पहली बार एक स्मार्टफोन को खरीद कर अनबॉक्स कर पा रहा हूँ और ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरे सामने बॉक्स। ये मैंने मंगवाया फ्लिपकार्ट से, यानी मैंने 11 तारीख को मंगवाया था फर्स्ट सेल के अंदर और आज तारीख है 13 तारीख, एक दिन में ये फ़ोन मेरे पास आ चुका है। तो इस बॉक्स को खोलते हैं। मैं अपना नाइफ यूज़ करूँगा खोलने के लिए और हम बॉक्स को टियर करते हैं। सबसे पहले बिल है, इसे साइड में रखते हैं। उसके बाद स्मार्टफोन है, सामने बबल रैप में आ चुका है। ये रहा रियलमी C1 का ब्रांडिंग है, इसे साइड में रखते हैं सबसे पहले और इस बबल रैप को खोलते हैं। इसमें हमें फ्लिपकार्ट की भी थोड़ी सी ब्रांडिंग दिखाई दे रहा है, इसे साइड रखते हैं। ये रहा हमारे सामने बॉक्स, Realme C1 लिखा है, यहाँ पे Realme का ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी Realme का ब्रांडिंग है और पीछे लिखा गया मेड इन इंडिया, तो अच्छी बात है। और Realme C1 और इसका कलर लिखा गया मिरर ब्लैक और कुछ नहीं, और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं। यहाँ पे प्राइसिंग भी लिखा गया है, प्राइसिंग इन्होंने 8,999 रुपये रखा है पर मुझे ये सेल में 7,000 का मिला है। और इसमें स्क्रीन साइज, बैटरी, नेट क्वांटिटी 1 वगैरह लिखा गया। ज़्यादा इंटरेस्टिंग बॉक्स कंटेंट हमें देखने को नहीं मिला है, तो इसे साइड रखते हैं और इसे सील को फाड़ते हैं। बॉक्स काफ़ी मिनिमल और सिंपल लुकिंग है, इसे साइड रखते हैं, उठाते हैं मतलब। और सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है Realme का ब्रांडिंग वापस और कहते हैं स्टे रियल विद अस, यानी उन्होंने अपना लिंक्स दिया है फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इस बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड और थोड़ी सी पैम्फलेट, पता नहीं क्या है, वारंटी कार्ड है तो अच्छी बात है। और हमें एक TPU केस भी देखने को मिलता है। ये रहा TPU केस, ट्रांसपेरेंट है और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, प्रोटेक्ट कर लेगा आपके फ़ोन को। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा स्मार्टफोन, मिरर ब्लैक में है, रियल फिनिश। इसे साइड में रखते हैं अभी के लिए और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पे है माइक्रो USB केबल, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये रहा चार्जर, चार्जर में अभी भी ओप्पो का ही ब्रांडिंग है, तो देख सकते हैं कि ये कनेक्शन अभी तक टूटा नहीं दोनों का, यानी ओप्पो और रियलमी का। और ये 5W 1A का चार्जर है, तो काफ़ी स्लो चार्ज करेगा पर इस प्राइस में हम और भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सबको साइड में रखते हैं और फ़ोन का पैकेजिंग खोलते हैं। सबसे पहला चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार हैवी है काफ़ी, और क्या, काफ़ी शाइनिंग है। रियलमी का ब्रांडिंग है, यहाँ पे दो कैमराज हैं, फ्लैश लाइट है और ये माइक्रो SD प्लस सिम स्लॉट है। यहाँ पे दोनों वॉल्यूम बटन्स दिया गया है और यहाँ पे पावर बटन दिया गया है। काफ़ी बल्की लग रहा है मेरे को फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए। और यहाँ पे हमारे लिए हेडफोन स्लॉट है, यहाँ पे माइक्रो USB केबल है, यहाँ पे स्पीकर स्लॉट है। तो फ़ोन फर्स्ट इम्प्रेशन तो ये है कि काफ़ी बल्की है, हेवी है, मतलब इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से हैवी और बल्की बता रहा हूँ मैं। और काफ़ी अच्छा देखने को मिला है यहाँ पे स्मार्टफोन। तो दोस्तों, इस अनबॉक्सिंग के लिए इतना ही। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं जोन्स आप सभी से विदा लेता हूँ।